Hi everyone, I'm Rahul Gill from Dive In Cricket YouTube channel and welcome back to another vlog. तो आज का vlog रहने वाला है रणजी ट्रॉफी के ऊपर और teams हैं हिमाचल प्रदेश and पौंडीचेरी और ये मैच हो रहा है अगर मैं बोलूँ तो दुनिया का सबसे सुंदर ग्राउंड तो गलत नहीं होगा धर्मशाला में एंड ये मैच में हम सब इक्वली पॉइज्ड रखेंगे तुम्हें थोड़ा सा क्रिकेट भी दिखाऊंगा स्टेडियम टूर भी दूंगा एंड विल टॉक अबाउट रणजी ट्रॉफी का हिस्ट्री एज वेल बाकी पूरा मैच हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि आई फील कि पूरा मैच थोड़ा शायद बोरिंग हो जाएगा दैट्स व्हाई वी जस्ट गोना मेक अ शॉर्ट ब्रीफ व्लॉग अबाउट कि अगर तुम लोग आते हो इन केस हिमाचल या मैच देखने रणजी ट्रॉफी का तो कैसा फील होता है बाकी चलते हैं सीधा HPCA एंड लेट्स सी हाउ द गेम टर्न्स आउट सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं HPCA धर्मशाला और आज जो हमारा एंट्री रहने वाला है वो है गेट नंबर 5 से और ये एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इवन अगर यहाँ पर कोई भी रणजी ट्रॉफी का मैच या कोई डोमेस्टिक मैच नहीं भी हो रहा है तो भी ये ग्राउंड खुला रहता है क्योंकि हिमाचल एक टूरिस्ट जगह है तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर लोग आते रहते हैं विजिट करने एंड ये स्टेडियम उनमें से एक है जो चीज़ देखने वाली है हिमाचल में क्योंकि इतनी हाइट पर ग्राउंड बनाना इट्स नॉट अ ईजी थिंग बाकी यहाँ से मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ तो हिमालयन रेंज दिखती है जो कि सबसे यूनिक चीज़ है इस ग्राउंड का लेट मी जूम इन फॉर यू गाइस तुम लोग देख सकते हो ये बैकड्रॉप में ये पूरी हिमालयन रेंज है और आज थोड़ा वेदर हल्का सा फॉगी है तो इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है बट आई रिमेम्बर जब मैं लास्ट टाइम आया था इट वॉज लाइक 2 साल पहले इतने क्लियर ये पहाड़ दिख रहे थे दैट आई कांट इवन टेल यू बट अभी ऑब्वियसली थोड़ा वेदर भी चल रहा है बाकी हे वी आर इन द ग्राउंड एंड यहाँ से तुम्हें थोड़ा बेटर व्यू मिल रहा होगा पीछे हिमालयन रेंज का बाकी तुम लोग देख सकते हो मैच ऑलरेडी चल रहा है और रणजी ट्रॉफी वाले मैचेस में क्या होता है या कोई भी डोमेस्टिक मैचेस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ही ग्राउंड का ओपन होता है जहां पे स्पेक्टेटर्स या फैंस आकर मैच एंजॉय कर सकते हैं पूरा स्टेडियम ओपन नहीं होता है तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो काफ़ी लोग हैं ऑलरेडी बट इनमें से ज़्यादातर सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचाने हैं उनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है बाकी लेट्स इन्जॉय द गेम्स कुछ शॉर्ट्स वॉट्स देखते हैं और फिर मैं तुम्हें बाकी ग्राउंड का टूर कराऊंगा तो अगर मैं गेम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये मैच जो था वो था हिमाचल प्रदेश वर्सेस पौंडीचेरी के बीच में एंड पौंडीचेरी की टीम इतनी कुछ स्ट्रांग थी नहीं इस मैच में वो 85 पर ऑल आउट हो गए उसके बाद दूसरे एंड से हिमाचल ने कुछ 300-400 रन बना दिए 2-3 विकेट्स पे एंड पूरा वन साइडेड गेम था और थोड़ा बोरिंग भी हो गया था क्योंकि कुछ बिग नेम प्लेयर्स नहीं थे इसमें सिर्फ एक ही प्लेयर अच्छा था जिसको मैंने पहले देख रखा था वो था मयंक डांगर और वो पंजाब के लिए भी खेल चुका है IPL में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बाकी कुछ अपील ज़रूर हुई बट ओवरऑल गेम काफ़ी स्लो पेस पे चल रहा था तो इसी के साथ लंच हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों को HPCA धर्मशाला का ट्रेनिंग एरिया भी दिखाया जाए तो इस ग्राउंड में बेसिकली 2 प्रैक्टिस एरियाज हैं एक ओपन में है और एक इंडोर फैसिलिटी भी है बाकी इसी गेट से हम अंदर आए थे और ये जो सामने तुम लोग वॉल देख रहे हो इसके जस्ट नीचे प्रैक्टिस एरिया है बट पहले मैं तुम्हें दिखाऊँ ये जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो ये है पवेलियन ये जो रेड कलर का बिल्डिंग है यहीं पर पवेलियन है और लेट मी जूम इन तो तुम लोग ये वाइट कलर का जो तुम देख रहे हो ना शेड टाइप्स तो ये है इंडोर फैसिलिटी बाकी ये है इनका आउटडोर फैसिलिटी और तुम लोग देख सकते हो ऑलरेडी एक बैट्समैन प्रैक्टिस कर रहा है बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे साइड में ये जो प्लेटफॉर्म बना है इस पर चढ़ के मैं तुम्हें अच्छे से ग्राउंड दिखा पाऊँ ट्रेनिंग ग्राउंड एंड हियर वी गो तो जितना सुंदर मेन आउटफील्ड था उतना ही सुंदर ये ट्रेनिंग ग्राउंड भी है बाकी ये व्लॉग इतना ही रहने वाला है क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं एरियाज ओपन नहीं थे तो होपफुली जब यहाँ पर कोई मैच होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हें एक अच्छा व्लॉग दिखाऊँगा बाकी इफ़ यू हैव मेड इट टिल हियर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल प्रॉबली सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय